विदिशा पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के नेतृत्व में वाहन चेकिंग के दौरान नटेरन के मियां खेड़ी तिराहे पर पुलिस द्वारा बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर अशोकनगर की ओर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा। उसने अपना नाम बनकारी लाल कुशवाहा, पिता कमल सिंह कुशवाहा, निवासी ग्राम सुखी सेवनिया बताया। संदेही की मोटरसाइकिल के इंजन और चेसिस नंबर BDP पोर्टल के माध्यम से सर्च करने पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर MP04TMP2839 था। इस गाड़ी की चोरी रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आरोपी द्वारा पूर्व में अलग अलग थाना क्षेत्र और जिलों से कुल 5 मोटरसाइकिल अलग अलग स्थानों से चोरी करना स्वीकार की। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। सर, क्या मामला है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये अभी निरंतर हमारे पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा जी के निर्देशन में वाहन चेकिंग और वाहन चोरों के बारे में मुहिम चलाई गई थी जी सर, जिसके समस्त थाना प्रभारियों को दिशा निर्देशित किया गया था। उसी तारतम्य में मियां खेड़ी थाना नटेरन में वाहन चेकिंग के लिए दल बल लेकर थाना प्रभारी पहुंचे, तो वाहन चेकिंग के दौरान श्री नितिन पटले जी और उनका हमरा पूरा स्टाफ सहायक उपनिरीक्षक नारायण सिंह ने एक वाहन को रोका, तो जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया गया और जिसने अशोकनगर तरफ भागा, गाड़ी रेस दी, जिसको घेराबंदी करके थाना प्रभारी की टीम ने पकड़ा, पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम नारायण बनवारी लाल कुशवाहा, निवासी सुखी सिमनिया, जिला भोपाल का बताया, जिससे गहन पूछताछ की गई और VDP पोर्टल के माध्यम से उसका वाहन चोर और वाहन चोरी की गाड़ियां थाना कोतवाली और अन्य जिले की बरामद हुई। कितनी गाड़ियां जब बरामद हुई सर? तो इस तरह इसी क्रम में थाना कोतवाली की जो चोरी की गाड़ी बरामद हुई जी, VDP पोर्टल के माध्यम से थाना प्रभारी ने प्रयास किया, उसके बाद में 4 गाड़ियां और भी अलग अलग थाना क्षेत्र की बरामद हुई, तो इस तरह 5 गाड़ी VDP पोर्टल के माध्यम से थाना प्रभारी नटेरन और उनकी टीम ने पकड़ी, जिसमें करीबन इनकी कीमत 2.5 लाख रुपए के लगभग है। एक ही आरोपी था सर? हाँ, आरोपी एक बनवारी लाल कुशवाहा, ये रहने वाला सुखी चिमनिया का है, जिला भोपाल। इसी से ये सब गाड़ियाँ चोरी की बरामद हुई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।